नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोवैक्सीन टीकों की कमी के बारे में जानकारी दी है। टीकों की कमी का दावा करते हुए सरकार ने कहा है कि 18 से 44 साल तक के लोगों को कोवैक्सीन का टीका फिलहाल नहीं लगेगा। सरकार ने बताया कि बचे हुए कोवैक्सीन का इस्तेमाल 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए किया जाएगा। सरकार की ओर मिली जानकारी के मुताबिक टीकाकरण कुछ समय के लिए रोका गया है। जैसे ही टीकों की उपलब्धता होगी, बाकी लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए फिलहाल टीकाकरण इसलिए रोका गया है क्योंकि हमारे पास कोवैक्सीन का स्टॉक नहीं है। इस फैसले के बाद 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोग मौजूदा कोवैक्सीन के स्टॉक का इस्तेमाल 45 साल से ऊपर वालों के लिए किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि हमारे पास कोवैक्सीन की 35,000 खुराकें अभी उपलब्ध हैं, लेकिन 5,00,000 से अधिक लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज देनी है, इसलिए अब कोवैक्सीन की खुराक सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि रिकवरी रेट बढ़ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र अभी कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में पहले पायदान पर है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। कोरोना संकट के बीच देश के अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला जारी है। अब गुजरात के भावनगर स्थित जनरेशन अस्पताल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग तीसरी मंजिल पर लगी, जहां आईसीयू बेड थे। जहां आग लगी और जिस वक्त लगी, आईसीयू में 70 से ज्यादा मरीज एडमिट थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग लगते ही सभी मरीजों को बाहर निकाल लिया गया, इस वजह से किसी मरीज की जान नहीं गई। फिलहाल मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ऐसा हुआ। जब अस्पताल में आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में मरीजों को बाहर लाया गया है। कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही बाहर लाया गया और तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जनरेशन अस्पताल की तत्परता से किसी भी मरीज की जान नहीं गई। इससे पहले गुजरात के भरूच शहर के पटेल वेलफेयर अस्पताल में बने कोरोना केयर वार्ड में 30 अप्रैल की रात अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते आग की लपटें आईसीयू वार्ड तक पहुंच गई थी। इस गंभीर हादसे में 14 मरीज और 2 स्टाफ नर्स की मौत हो गई थी। कोरोना वार्ड में करीब 39 से ज्यादा मरीज भर्ती थे, जिनमें से 24 मरीज आईसीयू में थे। भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल से 2 दिन पहले महाराष्ट्र के थाने के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में आग लग गई थी। आग लगने के बाद अनन-फानन में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हुई थी। इस घटना से कुछ दिन पहले ही मुंबई से सटे विरार अस्पताल में भी आग लग गई थी, जो कि कोविड अस्पताल था, जिनमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसराइल ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा शहर स्थित 2 गगनचुंबी इमारतों को निशाना बनाया। वहीं हमास और अन्य सशस्त्र समूह ने दक्षिणी इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत कुल 28 लोगों की जान चली गई है। इसराइल में काम करने वाली केरल की एक महिला की कथित रूप से इस फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में मौत हो गई, जबकि 152 अन्य घायल हुए हैं। यरूशलम में हफ्तों के तनाव के बाद ये झड़प हुई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार शाम से शुरू हुई झड़प में 10 बच्चे और एक महिला समेत 28 फिलिस्तीनों की मौत हुई है। अधिकतर मौतें हवाई हमलों से हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे। इजरायल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसमें इस्कलोन शहर में 2 इजरायली महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हैं। वर्तमान हिंसक झड़प में पहली बार इजरायली नागरिकों की मौत के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अधिकारियों ने आतंकी संगठन हमास और गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया। मारे गए आतंकी कमांडर की पहचान समी अल महमलक के तौर पर हुई है, जो इस्लामिक जिहाद के रॉकेट इकाई का प्रमुख था। सेना ने कहा कि हमले में उग्रवादी संगठन के अन्य बड़े उग्रवादी भी मारे गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।